तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि अमेरिकी सोयाबीन वायदा $1732 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। सो यूएस सोयाबीन वायदा को हमने कुछ दिन पहले ही 1600 से 1700 के लेवल्स के बीच में ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकी सोयाबीन वायदा है उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारत में भी जो सोयाबीन दाना है पिछले साल के मुकाबले इस बार उसकी कीमत थोड़ी कम रही है, लेकिन जो सोयाबीन तेल है उसके दामों में ज़्यादा तेज़ी है। सोयाबीन प्लांटों के दामों में नरमी तो तेलों में उल्टा हिसाब है, सोयाबीन तेल के जो दाम है उनमें तेज़ी बनती नज़र आ रही है, क्योंकि बाकी खाद्य तेलों में जो तेज़ी का रुझान बना है उसकी वजह से सोयाबीन तेल की कीमतों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता नज़र आया है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का जो खल है सरकार ने आयात की अनुमति दे दी थी पोल्ट्री इंडस्ट्री को अभी कुछ समय पहले ही, जिसकी वजह से हमने सोयाबीन में यहाँ पर हल्की नरमी आते हुए भी देखी। और इस बार ऐसी अटकलें हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सोयाबीन का जो उत्पादन होगा इस बार, जो बुआई होगी कुल मिलाकर ऑल ओवर तिलहन की ऑयल सीड्स की, वो ज़्यादा रह सकती है, और सोयाबीन का भी जो रकबा है वो ज़्यादा बढ़ता नज़र आ सकता है, और अगर रकबा ज़्यादा रहेगा तो उत्पादन ज़्यादा रहेगा। अभी ऐसी हाल फिलहाल में अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी मानसून पूर्ण रूप से अभी भारत उत्तर भारत की ओर नहीं आया है पूर्ण रूप से। अभी मानसून पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि साल 2021 में हमने देखा था कि सोपा का अनुमान तो आ गया था कि 119 लाख टन रहने का अनुमान है, लेकिन जो व्यापारी अनुमान था और जो किसानों का अनुमान था वो सरकारी अनुमान से काफ़ी कम था। उनका ये कहना था कि जो भारी बारिश है उसकी वजह से सोयाबीन की जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, दागी फसल हुई है, इसकी वजह से सोयाबीन का जो उत्पादन है वो घटा है। हालांकि आंकड़ों पर किसानों ने और व्यापारियों ने असंतोष जताया था कि जो ज़्यादा आंकड़े हैं जो जारी किए जा रहे हैं इसकी वजह से सोयाबीन का जो बाज़ार और भाव है दोनों ही गिरते नज़र आ रहे थे, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं थोड़े कुछ मेंटेन ज़रूर हुए हैं, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी जो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहा है इस बार पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले, और ग्लोबली भी देखा जाए तो पूरे ग्लोबली सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। वहीं चाइना से सोयाबीन की जो खपत है थोड़ी वो घटी है, डिमांड घटी है, इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन का जो बाज़ार है वो थोड़ा नरम वाला देखने को मिला है, लेकिन अमेरिकी सोयाबीन वायदा में यहाँ पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है, यहाँ पर तेज़ी आते हुए देखी है। तो कुल मिलाकर अभी खाद्य तेलों की अब पूरे खाद्य तेलों के पैक की बात की जाए तो खाद्य तेलों में अब ये खबर निकल के सामने आई है कि जो रशिया है वो यूक्रेन से जो खाने के तेल के जाने वाले जहाज हैं उनको मानवीय गलियारा प्रदान कर सकता है, यानी कि कुछ परमिशन दे सकता है। तो इस खबर की वजह से भी जो बाज़ार है इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का वो उस पर हमने दबाव बनते हुए देखा। दूसरा, इंडोनेशिया ने यहाँ पर अपना निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है सीपीओ के ऊपर से फिर से, जिसकी वजह से इंडोनेशिया से भारत में सीपीओ का आयात होने लग गया है, और ये बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया से जो सीपीओ का आयात हुआ है भारत में वो जून के मध्य तक पहुंचेगा, और जानकारों के अनुसार जून के मध्य तक खाद्य तेलों में यहाँ पर गिरावट बनती नज़र आ सकती है। तो अगर यूक्रेन से खेप आती है और सीपीओ की इंडोनेशिया से आती है और सप्लाई में थोड़ा इजाफा होता है तो ऐसे में खाद्य तेलों का जो बाज़ार है वो यहाँ पर टूटता नज़र आ सकता है। सिर्फ खाद्य तेल ही नहीं, तिलहन फसलों का भी जो बाज़ार है उसमें नरमी देखी जा सकती है, लेकिन जो नरमी रहेगी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखाई देती है, ऐसा जानकारों का मानना है।